Hi, I am Elise. How are you? Actually, मैं दिस इज माय फर्स्ट है जो मेरा एक्सपीरियंस है. तो मैं काफ़ी अच्छा दिनों से आप लोग आपकी ये देख रहा हूँ वीडियो. एक दो आई थिंक हारिस की भी देखी है. ठीक है, मैं हारिस की तरह उतना रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट रिलीजन को इस वे से लेता हूँ कि रिलीजन जस्ट फॉर आपको लाइफ में सही और गलत का रास्ता बता दे. बस उतना मैं फॉलोअर नहीं हूँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन का. ठीक है, बाय चॉइस बाय लेकिन बर्थ कहाँ मैं देता है, किसी लेकिन कौन रिलीजन. सा रिलीजन आपको सही और बुरे की, सही और गलत कोई की टीचिंग कोई देता है? बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं. हाँ, उसमें ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जांपल आज जो टॉपिक था कि ये मूत्र ये वगैरह का, देखिए ये एक तरह ना मेरा, मैंने दो तीन बार रिमार्क्स भी किया था. ये दे एक द वे दिस उन्होंने जैसे सिस्टम है कि ये मूत्र पियो तो अच्छा है, मीन वो एक तरह से गुलामी का है. क्या कि कितने मेरे फॉलोअर हैं जो चुपचाप इस चीज को मानते हैं, सही है गलत है किसी को नहीं पता, पर वो उस बंदे को सुन रहे हैं, वो पंडित को सुन रहे हैं. पंडित जी ने बोल दिया कि ये चीज है तो ऐसे है, तो वो चुपचाप फॉलो कर रहे हैं. उससे उस बंदे की जो वो लीडर है, जो किसी सो कॉल्ड भगवान या किसी को पूछते हुए दिखा रहा है कि इस भगवान के कारण उन्होंने मेरे को मैसेज दिया और ये मूत्र पीने से ठीक हो जाएगा, उससे उसको पता लग रहा है कि मेरी रियासत कैसी चल रही है, मेरे लोग फॉलोअर मेरे मेरे ऊपर कितना डिपेंड है. उससे चाहे 10 लोग मर भी रहेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है. वो उसके लिए पंडित जी के पास कोई और भी रीजन रहेंगे कि हो तू इसलिए मर गया क्योंकि तेरे पुराने काल में कुछ तूने गलत किया था इसलिए मर गया. उसमें से दो बाई चांस ठीक हो गए, उनकी इम्यूनिटी ठीक थी, वो बच गए. तो देखा तो मूत्र पीने से तेरा बच्चा ठीक हो गया. तो ये एक एक साइकोलॉजी है, ये प्ले कर रहे हैं आज नहीं कई सालों कई हजारों सालों से प्ले कर रहे हैं. अब से लाइक कि गुरु नानक हाँ, गया वो तो वही नानक मैं देव आपसे गए. पूछ रहा हूँ मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि रिलीजन को फिर हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को? इसके कौन सी ऐसी बात है जो हमें रिलीजन से मिलती है एक्सक्लूसिवली और बाकी चीजों से नहीं मिलती? मैं इसको रिलीजन को इस तरह लेता हूँ से लाइक कि इंडिया का पिनल कोड है, लॉ बना हुआ है. पुराने जमाने में शायद हो सकता है कि कोई इस तरह की लॉ बुक ना हो कि हाँ भी इंडियन पिनल कोड है, ये गलत है ये सही है हमें नहीं पता. एक जैसे हमारे कह लो कि पिंड में एक बड़े पांच लोग बैठ गए, उन्होंने देखा है कि ये सोसाइटी में ऐसा इस तरह के चल रहा है, तो इस तरह करो जी, आज के बाद ये चीज करोगे तो ये होगा. वो रिवाज बन गया, वो बाद में रिवाज के उसको बना दिया कि से लाइक. अब वो एक एग्जाम्पल है, ईद में बकरीद में बकरे कट रहे हैं. ठीक है, मेरे को इस चीज पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, बोथ साइड, हिंदू एंड बोथ साइड. आपने खाना है नॉनवेज खाना है खाइए, आपने वेज खाना है खाइए, बट जब किसी फूड को आप इसलिए जोड़ देते हो कि भाई बकरीद है, वो बकरे को मारने भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे मार मार के उसको खाना है, वो समझ में नहीं आता. आपने खाना है खाओ. ये रिलीजन के नहीं है, लेकिन ये रिलीजन है ना, तो आप इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ रिलीजन रिलीजन में कौन सी ऐसी बात है. मैं नहीं, आपसे फिर रिलीजन सवाल में आखिरी मैं इसमें आखिरी दफा इसमें आपसे मैं आखिरी दफा आपसे सवाल पूछा, बड़ी बात लंबी हो गई आपकी, कि आपने जो कहा कि अच्छी बातें और बुरी बातें रिलीजन से हमें मिलती है, मैं आप अभी तक मुझे कोई अच्छी बात नहीं, आपने बुरी बातें तो काफी बता दी, कोई अच्छी बात नहीं मुझे बताई रिलीजन से, अच्छी बात, अच्छी बात. जो कि हमें एक समझ लीजिएगा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हाँ, जो कि हमें एक्सक्लूसिवली रिलीजन से ही मिलती हो, यानी हमें उस रिलीजन के अलावा हमें वो चीज नहीं मिल सकती थी. कोई मैं एक चीज बताता ऐसी बता दे. मैं बताता फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब इसको इस वजह से नहीं कि आप किस रिलीजन को फॉलो, ये हमारी साइकोलॉजी है. हम बचपन में भी अगर देखेंगे, आप स्ट्रीमिंग देखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल टीवी में सुपरमैन, हीट, अपना बैटमैन, ये सारे पहले कार्टून आते थे, अब तो फिल्म आनी शुरू हो गई. तो हम बचपन से ही मेरे हमारे दिमाग में होता था कि सुपरमैन होता है, गलत चीज को ठीक कर देगा, सब कुछ कर देगा. जैसे मेरे मदर काउंसलिंग करते थे कि बेटा झूठ बोलेगा तो बाबा जी ऊपर से भगवान आ जाएंगे, वो आपको ऐसे पनिश कर ओके देंगे. चले देवेंद्र जी, मुझे आगे और भी बढ़ना है. चले, थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं आपको आप पे नेक्स्ट आके टाइम डिटेल से जरूर बात कीजिएगा. जरूर लेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.